फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम बीएससी थर्ड ईयर के हेट्रोसाइक्लिक टॉपिक में स्टडी करेंगे पाइरिडीन की। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास पाइरिडीन का स्ट्रक्चर होता है और इसमें हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे कि किस टाइप से हम दो मेथड से पाइरिडीन का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, रिडक्शन, बेसिक नेचर, इन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके एमओ पिक्चर की स्टडी करेंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम कंप्लीट पाइरिडीन की स्टडी करेंगे जो कि एग्जाम में आता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पाइरिडीन का जनरल फॉर्मूला होता है C5H5N, ये होता है पाइरिडीन का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस टाइप से हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ओके, इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन इसकी फ्रॉम पायरोल। पायरोल से हम पाइरिडीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम पायरोल लेते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं मिथाइलिन आयोडाइड से। ठीक है, प्रेजेंस में लेते हैं C2H5ONa, तो हमारे पास पाइरिडीन का फॉर्मेशन हो जाता है। पायरोल का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है? इस टाइप का होता है पायरोल का स्ट्रक्चर। इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं C2CH2I2 मिथाइलिन आयोडाइड से करवाते हैं। ये हमारी 5 मेंबर रिंग है और जो पाइरिडीन होता है वो 6 मेंबर रिंग होती है, इसलिए हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं मिथाइलिन आयोडाइड से। ठीक है, प्रेजेंस में लेते हैं C2H5ONa, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। तो यहां से क्या होता है C2H5OH और यहां से NaI2, ये क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये यहां से रिमूव हो जाता है और ये यहां पर जाके अटैच हो जाता है। तो ये 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर देती है इस टाइप से, और इसका जो नाम होता है इसको हम बोलते हैं पाइरिडीन। ठीक है, तो इस टाइप से हम पायरोल से पाइरिडीन का फॉर्मेशन करते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ पाइरिडीन फ्रॉम पायरोल, तो इस टाइप से ये रिएक्शन होती है तो हम पाइरिडीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास है फ्रॉम पेंटामिथाइलिन डायमीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पे NH2HCl और यहाँ पर भी हमारा रहता है NH2HCl। इसका नाम होता है पेंटामिथाइलिन डायमीन। इसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से NH4CL और HCl यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पर बचता है NH जो कि हमारे पास पाइरिडीन का फॉर्मेशन कर देता है इस टाइप से। यहाँ पे NH, यहाँ से ये मैंने एक रिंग बना दी जिसमें NH जो यहाँ पर बच रहा था वो लगा दिया। ठीक है, इसका नाम होता है पाइरिडीन। ठीक है, तो इस टाइप से हम पेंटामिथाइलिन डायमीन से पाइरिडीन का सबसे पहले फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं कंसेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर लेते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं और 3 हाइड्रोजन्स रिमूव होते हैं और हमारे पास इस टाइप से पाइरिडीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास 2 मेथड्स हैं जिनसे हम पाइरिडीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पाइरिडीन, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें इसकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस पढ़नी है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पढ़नी है, रिडक्शन पढ़ना है और बेसिक नेचर पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन किस पोजीशन पे होती है उसको समझने के लिए हमें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमारा पाइरिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इस टाइप का। ठीक है, तो इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारा यहाँ पर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। ठीक है, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा।
उसके बाद हमारा ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला, ये यहाँ और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे। तो इस टाइप से जो पाइरिडीन है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके इस टाइप के होते हैं। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की। जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है वो हमेशा वहां होती है जहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब हमने इसका यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो हमने देखा इसकी थर्ड पोजिशन पर डबल बॉन्ड है, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है वो थर्ड पोजिशन पर होगी। ठीक है, और अगर हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड पोजीशन पर, इसको हम थर्ड मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, डेफिशिएंसी है। तो सेकंड पोजीशन पर हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कौन कौन सी होंगी और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कौन कौन सी। प्रॉपर्टी में फर्स्ट हमारी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमारी फर्स्ट है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। ठीक है, तो इसमें नाइट्रेशन में क्या होता है कि हम पाइरिडीन लेते हैं, ये हमारे पास पाइरिडीन है, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं HNO3 से और यहाँ पर प्रेजेंस में लेते हैं कंसेंट्रेट H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे थर्ड पोजिशन पर रिएक्शन होती है। किस पोजीशन पे होती है, थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ पर NO2 अटैच हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है 2-nitropyridine। ठीक है, तो इस टाइप से इसका नाम होता है। तो जब हम इसका नाइट्रेशन करवाते हैं तो प्रेजेंस पर लेते हैं कंसेंट्रेट H2SO4 और यहाँ पर 2-nitropyridine का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या करते हैं हम, इसमें लेते हैं पाइरिडीन लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं कंसेंट्रेट H2SO4 से और टेम्परेचर लेते हैं 60 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे SO3H अटैच हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है थ्री सल्फोनिक पाइरिडीन। तो इस टाइप से नाइट्रेशन हो जाता है, सल्फोनेशन हो जाता है। एक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारी ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ये कभी कभी अलग से भी पूछ ली जाती है। इसमें क्या करते हैं, ब्रोमीन लेते हैं, Br2 लेते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं पाइरिडीन से। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। यहाँ पर क्या होता है, अगर हमने 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं तो यहाँ पर ये थर्ड पोजीशन पे Br2 जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन पर भी Br2 जाके अटैच हो जाता है इस टाइप से, Br। ठीक है, तो इसका नाम होता है हमारे पास 3-bromopyridine और इसका हो जाता है 2.5-bromopyridine, 3-bromopyridine। ठीक है, और इसका नाम हो जाता है 3.5-bromopyridine। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं 300 की जगह अगर हम इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो ये थर्ड पोजीशन की जगह पे सेकंड पोजीशन पे होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन पे होगी और यहाँ पर फिफ्थ की जगह ये सिक्स्थ पोजीशन पे होती है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। तो अगर ये वाली रिएक्शन आएगी तो इसमें टेम्परेचर भी मेंशन रहेगा। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी तो 2-bromopyridine और अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है तो 3-bromopyridine का फॉर्मेशन होता है। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो की हमारी सेकेंड पोजिशन पर होती है, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद सोडा लाइम। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NaNH2। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेते हैं, पाइरिडीन लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पाइरिडीन, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं NaNH2 से करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सेकंड पोजीशन पे NH2 जाके अटैच हो जाता है इस टाइप से NH2। तो इसका नाम हो जाता है 2-aminopyridine।
ठीक है, तो इस टाइप से 2 अमीनो पायरिडीन का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड है हमारी ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं C4H9Li लेते हैं, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, इसको हीट करते हैं, तो यहाँ से Li और यहाँ से H, Li H रिमूव हो जाता है और हमारे पास यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर CuH9 का अटैच हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है 2-butyl pyridine। तो इस टाइप से 2 रिएक्शंस होती हैं इसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिडक्शन, रिडक्शन हमारा यहाँ पर 2 टाइप से होता है। फर्स्ट में हम क्या करते हैं पिप्रेडीन को लेते हैं, ये हमारा क्या है पायरोल है, ठीक है, पायरोल की रिएक्शन करवा देते हैं हम 6 हाइड्रोजन से और प्रेजेंस में लेते हैं C2H5OH/Na, ठीक है, ये हम प्रेजेंस में लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इन 6 हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाते हैं, इस टाइप से ये अटैच हो जाते हैं, तो इसका नाम होता है पिप्रेडीन, ठीक है। तो इस टाइप से जब हम पायरोल का रिडक्शन करवाते हैं तो पिप्रेडीन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट रिडक्शन में हम क्या करवाते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं पायरोल लेते हैं, पायरिडीन लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं 10 हाइड्रोजन से और प्रेजेंस में लेते हैं Hi और टेम्परेचर लेते हैं 300°C, तो N-pentane का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर ये चेन, ये जो हमारी रिंग है ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर CH3CH2CH2CH2CH3, तो N-pentane इसका नाम होता है N-pentane का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस NH3 बाहर हो जाता है, तो इस टाइप से इसका रिडक्शन हो जाता है। ये हमारा बेसिक नेचर ऑफ पायरिडीन, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं इसका स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से, ओके, और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं HCl से, ठीक है, तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर तो ये इस टाइप से इससे जाके अटैच हो जाता है और यहाँ पे डॉट डॉट बॉन्ड से CLPs में अटैच रहता है, क्योंकि ये इससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ अटैच रहता है तो ये कम्प्लीटली इससे अलग नहीं हो पाता है, तो इस टाइप से हम डॉट डॉट बॉन्ड से इसको शो कर देते हैं, तो जब ये इससे रिएक्शन कर लेता है दैट मीन्स ये बेसिक नेचर को शो करता है। से हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ पायरिडीन, एरोमेटिक कैरेक्टर को जानने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 4N+2 = π इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें अगर N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 आती है मींस हमारा जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, अगर N की वैल्यू पॉइंट्स में आती है फ्रैक्शन में आती है मींस हमारा जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्म इसको सॉल्व करें तो 4N+2 = π इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं 1, 2, 3 मींस कितने होंगे 6 हो गए, ठीक है, तो यहां से अगर हम N की वैल्यू निकालें तो 4N = 4 यहाँ में 6-2 = हो गया 4N, यहाँ पर 4, तो N की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 आ गई, मींस ये जो हमारा कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, ठीक है। पिक्चर ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन के एमओ पिक्चर के इसका जनरल फॉर्मूला होता है C5H5N, ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये 5, हमने 5 कार्बन्स को लगा लिया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ, अब हम 5 हाइड्रोजन्स इससे अटैच कर लेंगे इस टाइप से यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक हमारे पास नाइट्रोजन है, तो ये हमारा क्या हो गया सिंगल बॉन्ड से हमने इनको अटैच कर लिया, ठीक है, और हमें पता है कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2, तो इसमें p ऑर्बिटल्स है, तो ये इस टाइप से इसमें यहाँ पर प्रेजेंट होंगी इस टाइप से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ये बॉन्ड बना लेंगी, ये यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर ये जो इसके लोन पेयर्स होते हैं ये तो अनहाइब्रिड में रहते हैं बट यहाँ पर इसका ये यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, ठीक है, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये
और ये स्टेप्सिस का स्ट्रक्चर होता है। और कार्बन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो एक सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर इसके पास सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर ये लोन पे, तो नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। तो इस टाइप से ये इसकी क्या होती है, MO पिक्चर होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट पायरिडीन। अगर आपको पायरोल के बारे में पढ़ना है तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच।